करने से ये मिला कि उसकी इमएमसी शॉर्ट थी सर, इमएमसी से रैम की पिनें शॉर्ट हो गई थी उसमें। फिर हमने क्लॉक के रजिस्टर को चेंज किया, फिर कमांड के रजिस्टर को चेंज किया, फिर उसके बाद में देखा चार्जिंग नहीं ले रहा था ये। फिर हमने पीएम को चेंज किया, फिर उसके हमने पीएमआई को चेंज किया, और सीपीयू जो ब्लैक पेस्टेड था, इमएमसी ब्लैक पेस्टेड था, पावर ब्लैक पेस्टेड था, सब ब्लैक पेस्टेड। लाइव स्टूडेंट के साथ हमारा ये बैच चल रहा है 5 मार्च का। उसके अंदर ये ओप्पो A3s का हैंडसेट जो कि डेड था, फुल शॉर्ट था, लाइव रिपेयर हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं सारा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ओप्पो का A3s मॉडल है और ये प्रॉपर किसी टेक्नीशियन से होकर के आया हुआ है। ये सेट प्रॉपर डेड है। मैं इसकी पावर की प्रेस कर रहा हूँ दोस्तों, और सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये प्रॉपर डेड है फ़ोन, ये डेड हो चुका है। ये देखिए, मैंने पावर की एकदम फिर से मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये फ़ोन प्रॉपर तरीके से डेड है। इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ इसमें दिखाएंगे कि एक डेड फ़ोन में हम क्या क्या किया जा सकता है, इसमें क्या क्या देखा जा सकता है दोस्तों। तो आप इसे देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें, ये फ़ोन वही फ़ोन है A3s, ओप्पो A3s, ओप्पो का A3s मॉडल है। और ये शॉर्ट थी पहले, तो हमने जब इसको चेक किया, इसकी प्राइमरी लाइन तो शॉर्ट नहीं दिखा रही थी, बट इसकी जो सेकेंडरी लाइन थी वो हमने चेक किया तो शॉर्ट बता रही थी। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे एक दो कैपेसिटर लगे हुए थे जो कि शॉर्ट थे, और अभी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, इसमें शॉर्टिंग नहीं है फिलहाल। तो हमने इसको पहले तो इसका पीएम निकाला था, पीएमआई निकाल के लगाया हुआ था, तो उससे शॉर्टिंग हमारी नहीं गई। तो हमने इसका क्या किया, जैसा कि प्रैक्टिकल यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल इसकी जो एमएमसी है वो निकल के क्लीन हो रही है, क्लीनिंग प्रोसेस चल रही है, जो कि यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये एमएमसी इसकी निकली हुई है और इसकी एमएमसी यहाँ पे एक क्लीनिंग प्रोसेस चल रही है। जैसे हमने एमएमसी को निकाला है और यहाँ पे शॉर्टिंग चली गई है। इसमें जो रैम की बॉलें शॉर्ट थी सर, इसमें जो बॉल थी रैम की बॉलें, बॉल जो थी इसमें शॉर्ट थी, और उसके कारण यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रही थी जैसा कि आप देख सकते हो। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखाएंगे आगे कि और क्या क्या कर सकते हैं इसमें। अब इसकी एमएमसी को हम लगाएंगे और फिर देखते हैं कि हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं होता है। आपके सामने प्रैक्टिकल ही पूरा विद प्रैक्टिकल चल रहा है जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। ब्लैक पेस्टेड है, इसको थोड़ा क्लीन करेंगे, मेरे को भी ले सकते हैं। हाँ सर, हमारे फिरोज सर इसको काम करते हुए। हेलो, ये ब्लैक पेस्टेड थी जो कि हार्ड ब्लैक पेस्टेड थी, और इसमें इजिली इसको रिमूव किया जा रहा है, इसका ग्लू रिमूव हो गया है। नहीं गया, वो होता ही। और इसमें आप खास बात जो आप देख सकते हैं, टेक्नीशियन जो डरते हैं कि यहाँ पे हमारी जब निकालते समय ब्लैक पेस्टेड को, उसमें क्या होता है, पिने निकलने की टेंशन होती है, डर होता है, तो डर नहीं है उसमें। आप प्रैक्टिकल जितना हैंड स्किल आपका बढ़ता जाएगा उतना अच्छा आप काम कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक भी बॉल यहाँ पे मिस नहीं है, सारी जितनी बॉलें थी उसकी A to Z बॉल है वहां पे। किसी भी में भी बताइए। और मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ एक चीज और कि आप आईसी तो देखे ही, एमएमसी को आपने देखा ही देखा है, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी पीसीबी है, पीसीबी में भी एक भी बॉल यहाँ पे नहीं हुई, अभी ये भी क्लीनिंग होना बाकी है, जो कि आपको दिखाएंगे, आपको दिख भी रहा होगा कि एक भी बॉल यहाँ पे मिस नहीं है। अभी पीसीबी को भी क्लीन किया जाएगा, फिलहाल अभी एमएमसी को क्लीन किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको बोला था दो कैपेसिटर थे वहां पे शॉर्ट दिखा रहा था। अब उन दोनों कैपेसिटर को आपको हम चेक करके दिखाएंगे कि वहां पे शॉर्टिंग गई कि नहीं। यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर भी रखा हुआ है, जैसा कि देख सकते हैं एक सिरा ग्राउंड है और दूसरे सिरे पे रीडिंग आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। लगाइए, ये देखिए रीडिंग आ रही है दोस्तों। दूसरे कैपेसिटर पे लगाइए, ये देखिए दोनों पे रीडिंग आ रही है, मतलब जो हमारी शॉर्टिंग थी एमएमसी निकालते से शॉर्टिंग दूर हो गई है। अब आप देख सकते हैं आगे, अब हमारी ये रिवॉल्विंग हो रही है, जो एमएमसी है वो हमारी रिवॉल्व होगी। हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप ही दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सटेंशन एमएमसी में सेट हो गई है, पीपीटी पेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। Thank you.
बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे बॉल बन गए इसके। जैसा कि आप देख सकते हैं रिवॉल्विंग हमारी कंप्लीट हो गई है एक बार में और ये क्लीनिंग प्रोसेस चल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पे प्रॉपर सारी बॉल बनी हुई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, हमारी अब इसको हम एमएमसी को चेक करेंगे UEFI में लगा करके इसकी प्रोग्रामिंग पार्टीशन है कि नहीं है सारी चीजें, क्योंकि जब एमएमसी खुले हैं तो चेक भी कर लेंगे। हाँ, एमएमसी खुली हुई है तो जैसा कि सर सुन पा रहे होंगे डेड कंडीशन में आया है, बट हमको एमएमसी भी चेक करना है कि प्रोग्राम होके है कि नहीं होके है, क्योंकि आप जब खुले हो तो एक बार चेक भी कर लो। अगर इसमें पासवर्ड या कुछ FRP लगा तो वो भी क्लीन कर लेंगे इसमें। यहाँ बता दीजिए सर एक बार, ये देखिए सारी एमएमसी रिवॉल्व हो चुकी है और ज्यादा हमारी एमएमसी डैमेज नहीं हुई है, कुछ बॉल वगैरह तो अच्छे से रिवॉल्व हो गई है, तो इसको भी लगाते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे CPH 1803 है, यहाँ पे देख सकते हैं OPPO A3S। ठीक है, और यहाँ पे इनक्रिप्टेड है, मतलब इसके अंदर ऑलरेडी डाटा है। तो चलिए शफी इसको करिए एक बार FRP पैटर्न और रिमूव करिए यूजर पार्ट स्पेशल। ठीक है, पहले फैक्ट्री सेट कर दो, फैक्ट्री सेट कर दो। ठीक है, ये भी हम यूज कर सकते हैं या फिर ओप्पो मास्टर भी हम यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी करिए। हमको डाटा नहीं चाहिए इसीलिए हम इसको फॉर्मेट कर रहे हैं जी। तो ये 5 से 7, 4-5 मिनट लेगा, यहाँ पे देख सकते हैं टाइम। तो यहाँ पे पहले हम इसका पैटर्न हटाएंगे, उसके बाद इसका FRP क्लीन करेंगे। तो अभी जो प्रोसेस चल रही है आपकी फॉर्मेटिंग चल रही है, ये जो आपके प्रोसेस चल रही थी ये फॉर्मेटिंग चल रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेट यूजर डाटा हो चुका है, और यहाँ पे बताइए यहाँ पे अभी इसका पैटर्न लॉग रिमूव करेंगे, FRP भी क्लीन कर देंगे। ठीक है, एक बार चेक लगाइए, आइडेंटिफाई करिए वापस से, इनको ले लो सर। जैसा कि देख सकते हैं ये प्रैक्टिकल फूड है, हमारे स्टूडेंट ही कर रहे हैं। निकाल लीजिए सर। ठीक है, अब उसको निकालिए आप। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्लैक पेस्टेड था उसे अब PCB में भी क्लीन करेंगे। अभी हमने आपको दिखाया कि अगर उसमें हमारी MC निकली थी तो उसकी हमने हेल्थ देखी कि हेल्थ सही है कि नहीं है, उसमें यूजर डाटा थे, उसमें पैटर्न थे, तो हमने उसको भी क्लीन कर दी, हटा दिए। अब उसके बाद हमारी MC सही है। अब दूसरी चीज, अब हम इसमें क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। ये ब्लैक पेस्टेड अगर आपको प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग सीखना है, अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं। ये मत बताइए सर। यहाँ पे क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई है हमारी, और अब इसमें हम MMC को बैठाएंगे, लगाएंगे इसमें हम। अगर प्रॉपर वे में आपको अगर नॉलेज चाहिए तो आप ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा MMC का बैच चल रहा है, और ये स्टूडेंट का ही फोन था, और स्टूडेंट का फोन था, और ये डैड था। जैसा कि आप देख सकते हैं
जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एमएमसी हमारी लग चुकी है, उसको हम बोर्ड में डाल के, बोर्ड में तो लग चुकी है, अब इसमें हम चेक करेंगे कि एक्चुअल में हमारा फोन ऑन हुआ कि नहीं हुआ सारी चीजें। अब दोबारा से हमने एमएमसी को लगाई है, अब उसमें हम सॉर्टिंग चेक करेंगे, जो कैपेसिटर हमारा शॉर्ट आ रहा था, अब उस कैपेसिटर पे हम चेक करेंगे कि हमारी वो सॉर्टिंग गई कि नहीं गई। अब इसमें हम देखेंगे कि इसकी सॉर्टिंग चेक करेंगे, सर उसमें सॉर्टिंग चेक करिएगा, जो कैपेसिटर शॉर्ट आ रहे थे दो, तो ये हमारा मल्टीमीटर है, ये जो सॉर्टिंग आ रही थी सॉर्टिंग हमारी हट चुकी है और एक रीडिंग आ रही है, ठीक है। अब उसमें हम चेक करेंगे बोर्ड में लगा करके, देखा कि अब ऑन करते हैं सेट को। सर जो कि आपके सामने एक बार क्लैप हो जाए स्टूडेंट के लिए, क्योंकि स्टूडेंट के साथ ही सारा चीज यहाँ पे हुआ है, स्टूडेंट के सामने हुआ है कि उसकी एमएमसी शॉर्टिंग आ रही थी, शॉर्टिंग आपने चेक किया था कि नहीं किया था? दो कैपेसिटर शॉर्ट आ रहे थे, उसके बाद सर ने उसको फाइंड आउट किया, फाइंड आउट करते करते फाइंड आउट करने से ये मिला कि उसकी एमएमसी शॉर्ट थी। सर एमएमसी से रैम की पिनें शॉर्ट हो गई थी उसमें, फिर हमने क्लॉक के रजिस्टर को चेंज किया, फिर कमांड के रजिस्टर को चेंज किया, फिर उसके बाद में देखा चार्जिंग नहीं ले रहा था ये, फिर हमने पीएम को चेंज किया, फिर उसके हमने पीएमआई को चेंज किया, और सीपीयू जो ब्लैक पेस्टेड था, ईएमसी ब्लैक पेस्टेड था, पावर ब्लैक पेस्टेड था, सब ब्लैक पेस्टेड। लाइव स्टूडेंट के साथ हमारा ये बैच चल रहा है 5 मार्च का, उसके अंदर ये ओप्पो A3s का हैंडसेट जो कि डेड था, फुल शॉर्ट था, लाइव रिपेयर हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं सारा ये हैंडसेट अभी काम कर रहा है, और इसका सिक्योरिटी भी देख सकते हैं, जैसा कि सारा पूरा सिक्योरिटी के साथ ऑन हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, ठीक है। एक बार स्टूडेंट के लिए भी क्लैप्स कर दीजिए, थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि सर मैं आपसे बताना चाहूंगा कि एक डेड फोन जैसे लेकर के आते हैं हमेशा, तो जरूरी नहीं कि डेड को आप जल्दी से फाइंड आउट कर लें, सारी चीजें आपको करनी होती है, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है कि उसमें पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है, एमएमसी हेल्थ सही है कि नहीं है, हमारा सीपीयू सही है कि नहीं है। जनरली मार्केट में क्या होता है, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है तो मार्केट में टेक्नीशियन सीधा स्वाइप कर देते हैं सीपीयू या एमएमसी, उसके प्रॉब्लम को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो आपको प्रॉपर अगर से स्कीमेटिक लेवल पे या फिर ट्रेसिंग लेवल पे, कंपोनेंट लेवल पे आपको अगर काम करना है, आईसी को स्वाइप नहीं करना है बल्कि बोर्ड को ही बनाना है, तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। हर महीना 28 तारीख से हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का बैच लगता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।